तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम डिटेल में ईच एंड एवरी सेंटेंसेस, राइट। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस से, ठीक है। अब ये असर्टिव सेंटेंस वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप ऐसा समझ सकते हो कि हार्ट है, ठीक है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस आपको अच्छे से आ जाएगा तो बाकी के सारे जितने भी सेंटेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको असर्टिव सेंटेंस को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। उसे पहले उसके रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए, ठीक है। और ये जो रूल्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने। तो सबसे पहला रूल हमारा ये है, अब देखना रूल नंबर 1A और रूल नंबर 1B दो हमारे पास है, ठीक है। ये रूल नंबर 1A है, ये रूल नंबर 1B है। दोनों एक साथ अप्लाई करना नहीं है। सबसे पहले रूल नंबर ए लगता है तो ए अप्लाई करोगे, रूल नंबर 1B अप्लाई होता है तो वो अप्लाई करोगे। किस तरीके से, तो देखते हैं। व्हेन द सेंटेंस हैज नो लिसनर, अभी हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे उसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस थे जिसमें कहीं में स्पीकर ही अकेला था, लिसनर था नहीं। और कुछ एक दो सेंटेंस ऐसे भी थे कि जहां पर हमने सेंटेंस में स्पीकर के साथ लिसनर को भी लिया था। तो ये रूल नंबर 1A हमें क्या समझाता है कि व्हेन द सेंटेंस हैज नो लिसनर, इट मींस जब सेंटेंस में कभी भी लिसनर नहीं होता है। ये नॉर्मली बहुत ही कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और पैराग्राफ की प्रैक्टिस में आपको पता है कि स्पीकर के साथ हमेशा लिसनर होता है, क्योंकि कन्वर्जेशन तभी हो पाती है जब हमारे पास स्पीकर और लिसनर दोनों एक साथ में मौजूद है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम उसे केवल एक सेंटेंस के तौर पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रूल्स है कि व्हेन द सेंटेंस हैज नो लिसनर, इट मीन्स सेंटेंस में अगर लिसनर नहीं है तो डायरेक्ट स्पीच में आपको सेड दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगा, सेड रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में से दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो क्या रहेगा, से रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में सेज दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो कैसा रहेगा, सेज रहेगा। रूल नंबर 1B क्या बता रहा है कि व्हेन द सेंटेंस हैज लिसनर, इट मींस अगर सेंटेंस में लिसनर है तो क्या करेंगे कि सेड, डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसमें क्या तब्दील कर देंगे, टोल्ड में तब्दील कर देंगे। अगर से है तो टेल हो जाएगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा। इट मींस कहने का मतलब ये है कि सेड और टोल्ड ये किस टेंस में आता है, पास्ट में आता है, ठीक है। और से और सेज ये किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा हमें चाहिए फ्यूचर के लिए तो हम यहां पर ऐड कर सकते हैं विल से, ठीक है। तो ये विल से किस में आता है, फ्यूचर में आता है। अब यहां पर ही ये सारी चीजों की आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। केवल ये जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। रूल नंबर 2 अप्लाई क्या करना है कि एज अ कंजक्शन यूज दैट, वो हमने चेंज नंबर 1 में आगे पहले ही देख लिया है कि असर्टिव सेंटेंस जब आता है तब उसके कंजक्शन के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 रूल आपको अप्लाई करने हैं। रूल नंबर 1A देख लिया है, रूल नंबर 1B देख लिया है, रूल नंबर 2B देख लिया है कि कंजक्शन के तौर पे हमें क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। अब तीसरा रूल है, तीसरा रूल भी ऑलरेडी हमने चेंजेस 1 to 5 जो देखा है उसमें देख लिया है। क्या बता रहा है कि चेंज इन टेंस, प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड्स आर एज एप्लीकेबल। इट मीन्स आप यहां पर बहुत गौर से देखोगे तो चेंज नंबर 2, चेंज नंबर 3 दोनों ऐसे चेंजेस है जो ऑलरेडी हम आगे सीख कर आए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि जैसे टेंस में नॉर्मली जो जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से आपको चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रोनाउन जो चेंजेस होते हैं वो भी करने हैं, और नियरेस्ट वर्ड में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस आपको यहां पर करने हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2 रूल है वो ये है, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये 2 रूल अगर पता नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं कि कैसे हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर जो 4 है वो क्या बता रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच शोज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस,
ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया है, हमने वो भी देख लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो क्या दिखाता है, अगर प्रेजेंट टेंस दिखाता है या फ्यूचर टेंस दिखा रहा है। अब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कैसे पता चलेगा, तो हमने यहाँ पर ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि सेड आता है तो वो पास्ट में होता है, से और सेज आता है वो प्रेजेंट में होता है, और विल से आता है वो फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, इट मीन्स से, सेज या फिर विल से है, तो हमें क्या करना है, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। इट मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हमें चेंज करना नहीं है। कब नहीं करना है फ्रेंड्स, जब रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, तो ये एक रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का जो रूल नंबर 5 है वो भी इससे भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बता रहा है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच शोज एनी यूनिवर्सल ट्रुथ, डेफिनेशन, साइंटिफिक ट्रुथ और प्रोवर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर क्या बता रहे कि अगर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, डेफिनेशन है, प्रोवर्ब है, साइंटिफिक ट्रुथ है, तो क्या करना है हमें, देन इट रिमेन सेम इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ही वो सेंटेंस आएगा। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है, जैसे कि हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं दैट वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, राइट, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि पानी कब गर्म होता है, जब उसे 100 सेल्सियस का तापमान मिलता है तब वो गर्म होता है, तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, उसे हम चेंज करेंगे नहीं। और जो अर्थ है वो अर्थ राउंड है, ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें हम कोई चेंज कर सकते नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जब आपके पास आते हैं तब वो वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। और कब चेंज नहीं आता है, दो रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, इट मीन्स सेड है, फिर भी हमें चेंज करना नहीं है। तो ये जो 5 रूल्स है वो 5 रूल्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले तो याद कर लेने, एक बार उसे अच्छे से याद करोगे और धीरे धीरे उसे अप्लाई करोगे तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे से आ जाएगा। तो वापस से एक बार देख लेते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4 एंड 5, ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तो ऑलमोस्ट सब में सेम रहने वाले हैं, ठीक है, और बाकी सारे में बहुत सारे रूल्स आने वाले भी नहीं है, केवल रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 वो असर्टिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात करने वाले हैं हम एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अभी अभी हमने रूल्स देख लिए हैं कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उसी रूल्स को अप्लाई करते करते हम यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उतने सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, नेहा सेज आई एम हैप्पी इन माई विलेज। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप रूल को अप्लाई करने जा रहे हैं कि हमारा पहला रूल था कि अगर सेंटेंस में, रूल नंबर 1A ये था कि अगर सेंटेंस में कोई लिसनर नहीं है तो क्या करना है, 1B क्या था हमारे पास कि अगर सेंटेंस में लिसनर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेहा एक स्पीकर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिसनर दिया गया नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू दैट रूल अप्लाई करेंगे कि क्या करेंगे, नेहा, ठीक है, अब नेहा सेज, तो सेज का हम यहाँ पर क्या रहने देंगे, सेज ही रहने देंगे क्योंकि लिसनर हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो नेहा सेज। दूसरा रूल था कनेक्टर के तौर पे, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब खत्म हो चुका है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो चुकी है, तो हम यहाँ पर कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट, तो नेहा सेज दैट, क्लियर। अब रूल नंबर 3 अप्लाई करना है, रूल नंबर 3 में आई एम है। ठीक है, अब यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई करने से पहले आपको ये भी देख लेना है कि यहाँ पर रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 दो में से कोई अप्लाई होता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेज यहाँ पर दिया है,
इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रूल नंबर 4 अप्लाई होता है। तो रूल नंबर 4 अप्लाई होता है तो अब हमें क्या करना है कि नेहा सेज दैट आई मीन्स किसके लिए यूज होना है, पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, नेहा के लिए। तो नेहा की जगह हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ से गलती करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर M का तो हमने जो चेंज नंबर 3 देखा था, उस चेंज नंबर 3 में क्या था, M का तो वॉज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी रूल नंबर 4 अप्लाई हो चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप देखोगे तो वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें चेंज होता नहीं है। तो एम यहाँ पर टेंस ही हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज करने वाले नहीं है। फिर भी मैं आई के साथ एम रखता हूँ पर सी के साथ मैं एम रख पाऊंगा नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सी के साथ इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने टेंस नहीं चेंज किया है, एम इज ऑल्सो फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, इज भी कहाँ से है, प्रेजेंट टेंस से है। ठीक है, तो नेहा सेज दैट सी इज हैप्पी इन। अब माई नेहा ने खुद के लिए यूज किया है तो हम नेहा के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं, तो हर विलेज। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, नेहा सेज दैट सी इज हैप्पी इन हर विलेज। ठीक है, तो ये प्रॉपर डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ। आगे का सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टीचर ने कहा है भाई एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये तो आप सबको भी पता होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक ट्रूथ है, ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है, और ये प्रोवर्ब है इसीलिए यहां पर पहले से ही हमें पता चल जाता है कि यहां पर रूल नंबर 5 पहले से अप्लाई हो चुका है। तो रूल नंबर 5 अप्लाई हो चुका है तो हमारे पास ये है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें तो हमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है, अगर यहां पर पास्ट में दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब है फिर भी, तो हम केवल यहां पर क्या करेंगे, केवल रूल नंबर 2 अप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से, तो देखिए, द टीचर सेड दैट, सेड तो लगा दिया है क्योंकि यहां लिसनर नहीं है, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है भाई, तो ये सीधा हो गया है आपका असर्टिव सेंटेंस का, जो डायरेक्ट स्पीच था उसका हमने सीधा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। केवल आप देख सकोगे कि यहां पर केवल हमने रूल नंबर 2 दैट अप्लाई किया है, तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस है। रूल नंबर 5 ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यहां पर आपको केवल क्या लगाना है, दैट लगाना है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, ही सेड आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग दिस कंप्लेंट्स। वो कहता है कि आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूं ऐसी ऐसी कंप्लेंट देख के। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो यहां पर ही वो क्या है, स्पीकर है, यहां पर हमारे पास लिसनर अभी भी आया नहीं है, तो अगर नहीं आया है तो रूल नंबर 1A ही अप्लाई करेंगे हम। तो यहां पर कैसे करेंगे, ही सेड, कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब यहां पर पर्सनल प्रोनाउन रूल नंबर 3 अप्लाई करना है, पर्सनल प्रोनाउन आई एम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर भी देखना है, यहां पर भी आई एम था, ठीक है, यहां पर रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा था, यहां पर ऐसा कोई रूल अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेज था, यहां पर सेड है, तो नॉर्मली जब सेड होता है तो हम उसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ही सेड दैट, अब आई, ही ने अपने लिए आई यूज किया है तो हम ही के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग, अब दिस अगेन एक नियरेस्ट वर्ड हो गया है, तो दिस का हम क्या करेंगे, दोज करेंगे, दोज कंप्लेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके का आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज कंप्लेंट्स। इट मीन्स कि यहां पर जितने भी यहां पर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं
जितने भी चेंजेस आपको करने हैं वो सभी चेंजेस को पहले आप पहचान लोगे तो उसे चेंज करने में आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड से टू मी वी वॉन्ट टू विजिट योर हाउस। तो अब भाई यहाँ पर स्पीकर भी है, लिसनर भी है, ठीक है, स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो अब हम रूल नंबर 1B अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन 1B अप्लाई करने से पहले हमें ये भी देख लेना है कि यहाँ पर रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 अप्लाई होता है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, वी वॉन्ट टू विजिट योर हाउस, यहाँ पर कोई रूल नंबर 5 नहीं है, कोई भी प्रोवर्ब नहीं दी गई है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। रूल नंबर 4 अप्लाई होता है कि नहीं देख लेते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यस रूल नंबर 4 अप्लाई होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब हमें किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रिपोर्टिंग जो स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है, उसके टेंस में हम कोई चेंज करने वाले नहीं है। तो देख लेते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। माई फ्रेंड्स, अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ स्पीकर भी है, लिसनर भी है, तो स्पीकर है, लिसनर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल नंबर 1B के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो से का हम क्या करेंगे, टेल करेंगे। तो माय फ्रेंड्स टेल, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि से अकेला नहीं है, से टू का हम चेंज कर रहे हैं टेल, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स टेल मी, कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट। अब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, ठीक है, तो अब मैं मेरे फ्रेंड, उन्होंने खुद के लिए वी यूज किया है तो मैं उनके लिए क्या यूज करूंगा, दे यूज करूंगा, ठीक है, दे। अब यहां पर गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है फ्रेंड्स की। अगर आपको नहीं पता है तो ये V1 है, तो V1 किस में चेंज होता है, V2 में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन वो कब, जब यहां पर सेड होता, तो यहां पर तो से है, रूल नंबर 4 अप्लाई हो चुका है, इसीलिए ये टेंस है। तो यहां पर भी इस वर्ब में भी हम चेंज करने वाले नहीं है। तो दे वॉन्ट टू विजिट, अब उन्होंने बोला, मुझे बताया कि तेरे घर पे, लेकिन मैं मेरे घर के लिए यूज क्या करूंगा, माय हाउस। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, माय हाउस। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा कि माय फ्रेंड्स टेल मी दैट दे वॉन्ट टू विजिट माय हाउस। तो फ्रेंड्स अगर रूल नंबर 4 में गलती थोड़ी सी भी हो चुकी है तो यहाँ पर आप क्या बता दोगे, वांटेड कर दोगे। तो ये वांटेड होगा तो वो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे का सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल सेज मदर आई मे शो यू अ ट्रिक। तो सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर स्पीकर है, लिसनर है, यस, यहाँ पर अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में अगर आप देखते हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी नाम दिया गया है फ्रेंड्स, कोई भी नेम दिया गया है, उसके पीछे अगर आप कॉमा देखते हो तो उसका मीनिंग ये हो गया है कि वो लिसनर है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नेम है और वहाँ पर आपको कॉमा नहीं दिखता है तो वो लिसनर माना जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मदर के बाद आप कॉमा देख सकते हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर इस सेंटेंस में मदर क्या है, लिसनर है। तो हमें पता चल गया है कि स्पीकर भी है, लिसनर भी है, ठीक है। तो रूल नंबर 1B अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, द गर्ल। अब यहां पर सेज है, ठीक है, सेज आ गया, इट मींस रूल नंबर 4 अप्लाई हो चुका है, ठीक है। द गर्ल्स टेल्स हर मदर, ठीक है। अब द गर्ल टेल्स हर मदर, मैंने हर यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि उसी की मदर है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, हर लगा दिया। अगर नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल टेल्स मदर, कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब आई किसके लिए है, गर्ल के लिए, तो हम गर्ल के लिए क्या चेंज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन सी। अब यहां पर मे का माइट होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 5 अप्लाई हो चुका है, इसलिए हम करने वाले नहीं है, दैट सी मे। अब मे के बाद सो, तो यहां पर मे के बाद सो। यू किसके लिए है, मदर के लिए है, तो मदर के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हर ट्रिक। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बना है, द गर्ल टेल्स हर मदर दैट सी मे सो हर ट्रिक। आगे का सेंटेंस देखते हैं, अवर टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। अभी हमने देखा वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। जिस तरीके से हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला सेंटेंस बनाया था, उसी तरीके से हम केवल यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, दैट लगाने वाले हैं। तो अवर टीचर
सेड दैट वॉटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, राइट। तो ये हो गया है आपका रूल नंबर 5 ऑलरेडी अप्लाई हो चुका था, तो हमने केवल क्या लगाया है, दैट लगाया है, पता चल रहा है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सोनल सेड टू मेगा यू गॉट द प्राइज लास्ट वीक। अब यहाँ पर स्पीकर भी है, लिसनर भी है और पास्ट में है, तो नॉर्मल ही सेंटेंस बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं, सोनल अब सेड टू लिसनर है, तो यहाँ पर सेड टू क्या क्या होगा, टोल्ड होगा, तो सोनल टोल्ड मेगा कनेक्टर दैट लगेगा। ओके, सोनल टोल्ड मेगा दैट, यू मीन्स कौन है, दोनों लड़कियां है, तो बिना सोचे आपको यहां पर क्या लगाना है, सी लगाना है। तो सोनल टोल्ड मेगा दैट सी। अब यहां पर थोड़ी सी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर आपको वर्ब जो है उसे आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, तब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्रेंड्स। तो एक चीज यहां पर ये ध्यान में रखनी है कि ये आने से पहले आपको वर्ब जो है उसके V1, V2, V3 और V4 जितने भी टाइप्स है वो आपको पहले से अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो यहां पर आप देखते हैं यू गॉट, अब गॉट का V1 क्या होता है, गेट होता है, ठीक है, V2 क्या होता है, गॉट होता है, और V3 वो गॉट भी होता है और गॉटन भी होता है, ठीक है, वो गॉट भी सही है, गॉटन भी सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गॉट वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं तो पता चलता है कि वो क्या है, V2 है, तो V3 में चेंज करना है तो आगे हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, हेड गॉट। अब मैं यहाँ पर गॉट भी लिख सकता हूँ और गॉटन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये V3 हो चुका है, ये V2 था, ये क्या है, V3 है। तो सोनल टोल्ड मेगा दैट सी हैड गॉट द प्राइज। अब यहाँ पर लास्ट वीक है, जैसा हमने देखा था कि प्रीवियस डे करते हैं, ठीक है, यस्टरडे का प्रीवियस डे करते हैं, तो लास्ट वीक था तो उसका हम क्या कर देंगे, द प्रीवियस वीक कर देंगे, द प्रीवियस वीक, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना है, सोनल टोल्ड मेगा दैट सी हैड गॉट द प्राइज द प्रीवियस वीक। लास्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, माया सेड आई डोंट लाइक योर नेचर, कॉमा है, फिर क्या लिखा है, तारा लिखा है। वापस से रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के बाद नेम है, इसका मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि वो क्या है, लिसनर है। यहाँ पर हमने देखा था कि नेम आगे था, यहाँ पर देख रहे हैं नेम पीछे। फ्रेंड्स मैंने कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हैं ताकि हर एक सेंटेंस में कुछ नया आप सीख सको। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, माया, अब नॉर्मल सेंटेंस है, सेड है और लिसनर भी है, तो सेड का हम क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, माया टोल्ड। अब तारा, जो तारा यहाँ पर पीछे दिया हुआ था उसे हम कहाँ ले रहे हैं, आगे ले रहे हैं, माया टोल्ड तारा कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब आई, आई मीन्स कौन है, कोई भी ले सकते हो, आई मीन्स यहाँ पर माया है, ठीक है, दोनों लड़कियाँ हैं तो केवल क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, तो माया टोल्ड तारा दैट सी। डोंट का क्या होगा, डिडंट होगा, लाइक का लाइक। अब माया ने तारा को बताया कि तेरा नेचर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर आएगा, नेचर। वापस से आपको यहां पर तारा लेना नहीं है, तो क्या हो गया है, माया टोल्ड तारा दैट सी डिडंट लाइक हर नेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको पता चल सके कि हमने अभी अभी जो रूल सीखे हैं वो रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स एक बात वापस से याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में या कहीं पर भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और पैराग्राफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहला एक सेंटेंस जो असर्टिव है वो देख लिया है, ठीक है। अब आगे अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं, उसके रूल्स सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे फ्रेंड्स।